यस स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये क्विक रिवीजन क्लास का अगला टॉपिक है। और देखिए क्विक रिवीजन क्लास में जैसा मैंने आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट और जिन टॉपिक में आप प्रॉब्लम फेस करते हैं मैं वो टॉपिक्स आपको रिवीजन करवाऊंगा, और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये और स्पेशली इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी आती है, जो आपने बताया उसका भी हम क्विक रिवीजन करेंगे। और एक चीज समझिए, आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इंपिटस गुरुकुल से मुझे लगता है हर स्टेट के, हर सिटी के बच्चे जुड़े हैं। उसमें मोस्टली जो स्टूडेंट है वो है दिल्ली, बॉम्बे और उसके बाद आता है कोटा का नंबर, जहां पर वो कई जगह बच्चे ऐसे भी है जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं पर फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन का रीजन जानते हैं क्या होता है? कंफ्यूजन का रीजन होता है टफ सेटअप प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, आईआईटी के नाम पे बड़ी बड़ी गाइड सॉल्व कर रहे होते हैं पर बेस को स्ट्रांग करे बिना। मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ, बेसिक बहुत अच्छा करो, तब प्रॉब्लम तो अपने आप बनने लगेगी क्योंकि बेसिक से ही जाएंगी। अगर आपने अपना ग्राउंड वर्क अच्छा कर लिया तो यह बात पक्की है कि आप टफेस्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, पर आपका फोकस ही टफेस्ट प्रॉब्लम पे होगा तो ना टफ प्रॉब्लम होगी ना बेसिक प्रॉब्लम होगी। और आप कोशिश करिए, देखिए, जैसे अभी मैंने नोटिस किया बच्चों ने मुझे कमेंट्स भी भेजे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे टफ टॉपिक भी इतने कम समय में कंप्लीट करने के बाद भी पूरे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गए। वही चीज मैंने पीएनसी में की है, वही कोशिश प्रोबेबिलिटी में करूंगा। बहुत सारी ट्रिक्स हैं वो आपसे डिस्कस भी करूंगा, पर फिर मैं बोलूंगा कि ट्रिक्स पे मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको पढ़ाते पढ़ाते इतनी ट्रिक्स बताता हूं मैं, पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ट्रिक्स नहीं, कंसेप्ट पे वर्क करना है, लॉजिक पे वर्क करना है, क्वेश्चन देख के समझ में। अभी मैं आपके साथ प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का थ्योरी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पीएनसी प्रोबेबिलिटी का फाउंडेशन है, बेसिक थ्योरी है। अब किस तरह के क्वेश्चन बनते हो, सीधे जेई के क्वेश्चंस करेंगे या एनडीए के क्वेश्चन करेंगे या निमसेट के क्वेश्चन करेंगे या डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन करेंगे, आप देखोगे आपके बन पाएंगे। अगर आप आईआईटी का एग्जाम दे रहा हूं मैं बोल रहा हूं, आप आईआईटी के प्रीवियस ईयर की खोलो बुक, आपको इस सेशन के बाद क्विक रिवीजन के बाद भी वो बनने लगेंगे। चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन देखो, चाहे किसी भी कोई भी टॉपिक के, तो आप अपने पढ़ने के तरीके को बदलो। आज गुरुकुल के लगभग इतने स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं और बहुत ही कंफर्टेबल जोन में, क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रांग हो गया, फाउंडेशन अच्छा हो गया, फाउंडेशन के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक डेवलप हुई। वही चीज मैं आपसे बोलूंगा कि आप सब लोग इस पे वर्क करो, आप देखोगे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का मैं फिर बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व से ही होती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसका बेस है जो आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं जैसे सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने एक और बात भेजी थी कि थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि आज के जो सेशन में साउंड प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, दिस इज फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। देखिए रिवीजन क्लास है, बेसिक थ्योरी पे नहीं जा सकते, अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि जो टॉपिक मैं आपको एक क्लास में करवा रहा हूं, इन्हीं टॉपिक को करवाने में मुझे कम से कम 15 से 20 क्लास लगती है, बहुत ही डिटेल में हर चीज को कवर करते हुए। पर अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम में मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट चीज ऐसी करवाई जाए कि आपके क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाए। अब जैसे हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज सिंपल, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस मतलब होता है फेवरेबल केसेस प्लस अनफेवरेबल केसेस का कॉम्बिनेशन, यानी परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का ही एक पार्ट है। अब आपने फोर टाइप के इवेंट पढ़े होंगे, वो बता देता हूं। नंबर वन, इक्वली लाइकली इवेंट, तो एक जनरल बात हो गई है ना, इक्वली लाइकली इवेंट हर क्वेश्चन का पार्ट होता है। इक्वली लाइकली मीन्स इक्वल चांस, जैसे क्वाइन को थ्रो करने पर हेड और टेल इक्वली लाइकली इवेंट है, डाइस को थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 6 इक्वली लाइकली इवेंट है, जितने चांस 1 आने के उतने ही 5 आने के उतने ही 6 आने के। प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड में से कोई भी कार्ड निकालो, इक्वली लाइकली इवेंट ये हो गया। चार तरह के इवेंट होते हैं, उन चार इवेंट से ही पूरा टॉपिक बनता है। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नंबर टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नंबर थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट एंड नंबर फोर डिपेंडेंट इवेंट, फिर इनके कॉम्बिनेशन रहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, ये बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के और क्वेश्चंस में टाइप्स कवर करते हुए चलेंगे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए चलेंगे। अब जैसे मैं बोलूं कि इक्वली लाइकली वो सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता क्या है, टू इवेंट आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ इवन इंटरसेक्शन ई टू इक्वल टू एम्प्टी सेट, मीन्स नो कॉमन पॉइंट बिटवीन इवन एंड ई टू। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है एक इवेंट के बाद सेकेंड इवेंट के चांस खत्म हो जाए, डिसजॉइंट सेट जो होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, मान लो मैं एक डाइस की बात करूँ और डाइस पर नंबर है 1 2 3 4 5 6 और सपोज इवन इवेंट है, इवन नंबर, सपोज ई टू इवेंट है प्राइम नंबर,
सपोज E3 इवेंट है वो सॉरी ऑड नंबर, सपोज E3 इवेंट है प्राइम नंबर, सपोज E4 इवेंट है मल्टीपल ऑफ 3 लाइक दिस, ऐसे इवेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि E1 और E2 का नेचर कैसा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि E1 और E2 का नेचर कैसा है, तो E1 और E2 का नेचर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैसे? अगर 2, 4, 6 आ गया तो 1, 3, 5 नहीं आएगा, और 1, 3, 5 आ गया तो 2, 4, 6 नहीं आएगा। यानी ये इवेंट कैसा है, म्यूचुअली एक के बाद दूसरे के चांस खत्म। जैसे अगर मैं क्वाइन की बात करूं, क्वाइन की बात करूं हेड और टेल, सबसे पहले याद रखिएगा कुछ चीजें मैं बताता चलूंगा। जैसे सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, टोटल केसेस को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। फिर सुनिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जो जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उन्हें हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो जैसे कॉइन का सैंपल स्पेस हेड टेल, टू कॉइन होंगे तो सैंपल स्पेस होगा हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड टेल। मान लीजिए डाइज है तो सैंपल स्पेस, जो जो पॉसिबल आउटकम होते हैं उसे हम बेसिकली बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि हेड और टेल, इवन इवेंट है सपोज हेड, E2 इवेंट है सपोज टेल, तो ये आपस में कैसा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा और टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। यहां पर अगर हम बात करें E1 और E2 की, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि इसका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी। पर अगर मैं E1 और E3 की बात करूं तो सपोज 2 आ गया तो E1 भी है प्राइम भी है, तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, E1 इंटरसेक्शन E2 नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट बिटवीन टू इवेंट, राइट। कम से कम एक कॉमन पॉइंट भी होगा तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और नो कॉमन पॉइंट देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी बेसिक लॉजिक ये है कि अगर हम किसी इवेंट की बात कर रहे हैं उसमें कुछ कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कॉमन है तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे अगर मैं बोलूं E3 और E4 में क्या रिलेशन है, तो 3 कॉमन है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी एक इवेंट के बाद भी दूसरे इवेंट के आने के चांस बने रहे तो हम बेसिकली बोलते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और अगर एक के बाद दूसरे के चांस खत्म हो जाए, जैसे पास और फेल होना, इंडिविजुअली बात करें एक सिंगल पर्सन की, पास या फेल होना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पास हो गया तो फेल नहीं हो सकता, फेल हो गया तो पास नहीं हो सकता, राइट। ये बेसिक जो थ्योरी है वो रिवाइज करते चलते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में आएंगे। यस, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ कि नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू इवेंट, नॉन म्यूचुअली का हुआ एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट बिटवीन टू इवेंट। ये जब सिंगल एक्सपेरिमेंट की बात की जाती है, फिर आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का पर्पस या मतलब आप बिल्कुल क्लियरली समझते होंगे कि इंडिपेंडेंट मीन्स टू इवेंट फ्री है ना, द हैपनिंग ऑफ ए डज नॉट डिपेंडिंग ऑन ए, हैपनिंग ऑफ ए डज नॉट डिपेंडिंग ऑकरेंस ऑफ बी। ऐसा भी बोल सकते हैं कि टू इवेंट से मान लो ए और बी, अगर ए की हैपनिंग बी पर डिपेंड नहीं करती तो ये इंडिपेंडेंट हुए। जैसे टू कॉइन के रिजल्ट की बात करें, टू कॉइन के रिजल्ट की बात करें तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहले कॉइन के रिजल्ट और सेकंड कॉइन का रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। टू डाइस की बात करें, इंडिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट में क्या होता है कि हैपनिंग ऑफ वन डिपेंडिंग ऑन अदर इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। तो डिपेंडेंट इवेंट का मतलब जब तक बी नहीं होगा, जब तक ए नहीं होगा, या जब तक ए नहीं होगा, जब तक बी नहीं होगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अभी क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से क्लियर करेंगे, और मैं फिर आपको बोलूंगा कि इस टॉपिक को भी मैं पूरी लॉजिकल तरीके से पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक आपको सबसे टफ लगता है, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये टॉपिक आपको सबसे ईजी लगेगा, बशर्त है आप इसका बेसिक एक बार अच्छे से कर लें। तो अगर आपने अभी तक भी इसका पूरा फाउंडेशन कोर्स नहीं देखा तो एक बार मैं बोलूंगा देख लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं और काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो डिपेंड ऑन पेपर, पर हर एग्जाम में देखें तो प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन के क्वेश्चन काफी मिलते हैं। स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो समझ के चलेगा। कुछ बेसिक फॉर्मूले हम एक बार रिवाइज जरूर कर लेते हैं, पर इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, नॉर्मली इनकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं बोलूं पी ए यूनियन बी, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं पी ए प्लस पी बी इफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो क्या होगा, सिंपल ये ए है और ये बी है। सेट थ्योरी के काफी कंसेप्ट लगते हैं इसमें, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। जब कुछ कॉमन हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस सेक्शन इज ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ऐसा भी लिख लें, ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू
PA plus PB, ये भी बहुत काम आता है. अच्छा याद रखिएगा, happening plus not happening is always one. तो कई बार आपको ये दो डेटा दे देते हैं. ये फॉर्मूले बताने का मेन जो पर्पज है ना मेरा, वो ये कई बार फॉर्मूला ही दे देते हैं तो आपको पता हो. जैसे अगर थ्री इवेंट्स है, मान लीजिए पी ए यूनियन बी यूनियन सी, देन दिस इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, राइट. अगर थ्री इवेंट्स हैं तो ये हो जाएगा. अब इसमें देखिए, ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कभी ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन ये सी हो गया, ये दिस सेक्शन इज पूरा कंप्लीट सेक्शन इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी. इस सेक्शन को क्या बोलेंगे आप, ए इंटरसेक्शन सी, एंड दिस सेक्शन इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, राइट. अब जो भी कॉमन हो उसके अकॉर्डिंग, ऐसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करें, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप यहां पर ये वाले पूरे फॉर्मूलों को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी रिलेटेड सेट के. कई बार बहुत बहुत ही पॉपुलर मतलब बहुत ही नॉर्मल बात है कि सीधा फॉर्मूला ही आपसे पूछ लेते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं. ये जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें, राइट, और बेस्ट थ्योरम वगैरह के सबके कंसेप्ट में आपको बहुत सिंपल तरीके से क्लियर करता हूं. मान लो ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो दिस इज पी ए इन टू पी बी, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट इवेंट्स या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हैपनिंग ऑफ ए डिपेंडिंग ऑन बी इज कॉल्ड डिनोटेड बाय ए बाय बी एंड डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन पी अपॉन पी बी. सपोज बी बाय ए की मैं बात करूं, सपोज मैं बी बाय ए की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, हैपनिंग ऑफ बी इज डिपेंडिंग ऑन ए. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, लाइक दिस, राइट. अब हम क्वेश्चंस करना चालू करते हैं. क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ साथ काफी सारी चीजें मैं रिवाइज करता चलूंगा, कुछ स्टैंडर्ड कंसेप्ट हैं वो बताता चलूंगा, है ना. तो आपको अपने आप ही क्वेश्चंस बनने लगेंगे. यस, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से आते हैं और इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाता चलूंगा. आप देखेंगे पूरे एंड सेशन होते होते काफी अपन कवर चीजें कर लेंगे तो आपको बनेंगी भी सब. सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की. देखिए बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे सपोज आपसे बोला गया है थ्री डिजिट आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 विदाउट रिपीटेशन, ओके एनी डिजिट विदाउट रिपीटेशन एनी डिजिट, वॉट इज द प्रोडक्ट दैट द प्रोडक्ट इज ऑड. प्रोडक्ट इज ऑड का मतलब ये हुआ कि आपको प्रोडक्ट ऑड लेना है. अब थ्री नंबर का प्रोडक्ट ऑड कब होगा पहले तो ये बताइए आप. तो थ्री नंबर का देखिए इसके ऑप्शन ये हैं, ये भी बताता चलता हूँ. 7/48 एंड 5/42 एंड दिस इज 5/108. अब प्रोडक्ट ऑड नंबर जब होगा, अगर आपको पता है कि एक भी नंबर इवन नंबर हो जाए तो प्रोडक्ट कभी भी कितने भी नंबर क्यों ना हो, जैसे मैं आपसे बोलूं 3, 5, 7 मल्टीप्लाई करो, आपको पता रिजल्ट क्या आएगा इसका, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 × 5 किया 15, 15 इंटू 7 किया तो 105 ऑड आया. बट अगर इसमें कोई भी एक इवन नंबर लिख दो तो ओवरऑल रिजल्ट इवन आएगा. इसका मतलब प्रोडक्ट इवन जब भी ऑड जब भी हो सकता है जब ऑल थ्री नंबर क्या हो, ऑड हो, यानी ऐसे फाइव में से कोई थ्री नंबर हो आउट ऑफ 9C3, राइट, आउट ऑफ 9C3. अब यहां पर ये सब फॉर्मूले हमने अभी मैंने ऑर्डर जो टॉपिक के रखे थे ना वो ये रिविजन यही था, क्योंकि आप सब चाहते थे कि सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम जाती है कॉम्प्लेक्स में. मैंने इसलिए सबसे पहले क्वांटिटी इसलिए पढ़ा है कि वो बेस है,
किसी भी मैथ्स के टॉपिक का. देन बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने का पर्पज था कि एनसीआर या प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए. देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके लिए सबसे टफ था, देन उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो टफ था, आपको इजी लगने लगेंगे. अभी आप पेपर दोगे मैं बिल्कुल श्योर हूं आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे. जो टॉपिक्स आपने अभी तक करें आपका उनमें भी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अलग हो जाएगा, सोचने का तरीका कि नहीं हम सोचेंगे कैसे. आप ये मत सोचो आईआईटी का क्वेश्चन है, आप ये सोचो मैथ्स का क्वेश्चन है, आप ये सोचो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है. ये अगर सोचेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तब 5C3. अब आपको मैंने बोला था कैलकुलेशन फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें, n (n-1, n-2, n-3, n-r+1)/(r). तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो हो जाएगा 5, 4, 3/(9, 8, 7). 3, 2, 1, 3, 2, 1 कैंसिल हो जाएगा. अब देखिए क्या करेंगे, ये 3 टाइम कैंसिल कर देंगे, ये 2 टाइम कैंसिल कर देंगे, तो नीचे आएगा, ऊपर आएगा 5, नीचे आ जाएगा 42. तो 5/42 इज अ राइट आंसर. राइट, क्वेश्चन कैसे करना है ये अगर आपने चीज समझ ली तो समझ लो आपको कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. अब देखिए जैसे मैंने बोला है कई बार आपको फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं या फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को किस ढंग से करना है अब उस पर आते हैं हम. तो जैसे ये देखिए क्वेश्चन क्या है, टू इवेंट ए एंड बी आर सच डैट पी बी नॉट, नॉट लिखा है मतलब पी वी बार इज 0.8, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 0.5, ए बाय बी इक्वल टू 0.4. देन आपसे पूछा है कि पी ए क्या होगा. राइट, आप सुनिए क्या करेंगे. सबसे पहले एक बात सुनिए, पी बी नॉट दिया है 0.8, यानी पी बी नॉट है 8/10, ऐसा भी बोल सकते हैं 4/5, तो पी बी लॉजिकली 1/5, क्योंकि हैपनिंग नॉट हैपनिंग 1 होता है. बहुत ही आराम से समझ के करिए. अभी देखिए आप कैसे नहीं बनते, आपसे क्वेश्चन 100% बनेंगे. अब आपको पी ए पूछा है, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही लिखा था, ये स्पेशली ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. अब ए यूनियन बी दिया 0.5 यानी 1/2, राइट, या 5/10. इसलिए मैं हमेशा वैसे आपको एक बात बोलूं कि अगर आप एक ही चीज लिखा रहने दें तो ज्यादा अच्छा, चलो अभी लिखा रहने दो 1/2 ए इंटरसेक्शन पी. अभी मैं वहां से लेके आऊंगा, यहां पे पी बी पी ए निकालना है, पी बी दिया है 1/5. अब पी ए इंटरसेक्शन पी कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा पी ए बाय बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. राइट, ये दिया है 0.4 यानी 4/10, दिस इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज 1/5. राइट, 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक तरह से ये आ जाएगा 2/5 × 1/5 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी. तो इसका मतलब ये हुआ, ये 1/2, ये 2/25. सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा, इसको आपको पी ए निकालना है, तो पी ए इक्वल टू हो गया 1/2 + 2/25 - 1/5. यानी सीधा सीधा कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के चलिए, कंसेप्ट बना के चलिए. जो जो चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन आएगा मैं 4 चीजें रिवाइज करवा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन इजीली बनने लगेंगे. आप इनफैक्ट मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जो टॉपिक अभी क्विक रिवीजन में करें आप इनके सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन. अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन इज टॉस फाइव टाइम्स. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड आर ऑब्जर्व मोर देन 3 टाइम. हेड कितने टाइम, मोर देन 3 टाइम, यानी हेड जो है वो 4 टाइम आए या फिर मोर देन 3 का मतलब ये हुआ 5 टाइम आए. अब यहां पर क्वाइन का कंसेप्ट आता है. अब मैंने आपको इसलिए मैंने बोला कि मैं आपको चीजें रिवाइज भी करवाते चलूंगा. अब अगर मैं क्वाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करूं तो क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन के किस ढंग से कंसेप्ट बनाना है. अगर मैं बोलूं सिंगल क्वाइन, अ क्वाइन इज थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. तो सिंपल है, अगर मैं सिंगल कॉइन की बात करूं, देखिए ये होता है रिविजन का तरीका. क्वेश्चन एक आया, 5 टाइम्स का बोला है, 10 टाइम का बोला होता, 8 टाइम का बोला होता, तो क्या करते, एक क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन थॉट में आना चाहिए. और स्टार्ट कहां से, बेसिक से. मैंने 1 कॉइन से लिया, क्यों लिया 1 कॉइन से, मैं 1 कॉइन से भी आपको 100 कॉइन तक ले जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर पहले बेसिक तो समझो.
पहले समझो कि क्या चीजें हैं जिनको हमें जरूर करना चाहिए, जिनसे हमारी टॉपिक पे कमांड बने, पकड़ बने। वो एक चीज क्लियर हो गई, सब कुछ आ जाएगा। आप क्या करते हो, सर ट्रिक्स बता दीजिए, ट्रिक्स बता दीजिए। अरे मैं आपको इतनी ट्रिक्स बता सकता हूं और बताऊंगा, पर पहले कंसेप्ट तो बनाओ, कर क्या रहे हो ये पता होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि हम करते क्या है ये नहीं पता होता। ट्रिक्स इसलिए फेल होती है क्योंकि हमें ट्रिक्स का अप्लाई करना नहीं आता। ट्रिक्स कोई क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही तो क्यों हो रही, अगर वो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ट्रिक्स। अब देखो मैं आपको इसमें क्वाइन के क्वेश्चन में ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, आप एक एक सेकंड में क्वेश्चन करेंगे, बट पहले उसका बेस बनाओ, क्यों ऐसा कर पा रहे हैं वो समझो, देन उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे अपने आप बनेंगे। आप जैसे यहां पर देखें कि आपसे बोला है 1 पॉइंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, आप बोलते हैं 1/2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, आप अगेन बोलते हैं 1/2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, क्या होगा हेड एंड टेल, इम्पॉसिबल इवेंट है, एक ही समय में हेड एंड टेल नहीं आ सकता, 0। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, श्योर इवेंट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, देन 2/2, दिस इज 1, श्योर इवेंट है 1, अगर इम्पॉसिबल इवेंट है 0, इसलिए तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग का जो रिजल्ट है 0 से 1 में लाया जाता है। अब हेड और टेल का मतलब, जैसे मैं आपसे बोलूं हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तो आप हारे, तो इवेंट कैसा हुआ, श्योर इवेंट हुआ, हर बार मैं ही जीतूंगा। तो आपको ये चीज, अब ये सिंगल कॉइन का हुआ, मान लो मैंने आपसे बोला होता 2 कॉइन, अ कॉइन इज थ्रो 2 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप पढ़ने के तरीके में क्या चीज समझें, कैसे ट्रिक्स को डेवलप करें, उस ट्रिक्स को डेवलप करने के बाद वो जीवन भर याद रहे, उसके मेथड में बताऊंगा। ट्रिक्स तो बताना है पर मैं ट्रिक्स को ऐसे बताऊंगा आपको कि आपको वो हमेशा याद रहे। मैं एक क्वेश्चन लिखूं और बोलूं इस ट्रिक से कर लो, आपको वो पक्की बात है कि आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आके हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है और हम फिर अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाते हैं। इसलिए आप अपने पढ़ने की हैबिट्स में थोड़ा चेंज लाएं, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे हम रफ पेज पे जो लिखते हैं वही हम फेयर कॉपी पे लिखते हैं पहले पेज को छोड़ के, तो मैं हमेशा बोलता हूँ रफ वर्क अच्छे से करो, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में इतनी अच्छे कंसेप्ट हो कि आप कभी दिक्कत ना हो। तो हम होता क्या, एग्जामिनेशन सेंटर में अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आते हैं फिर स्टेप लिखते जाते हैं, भले ही कितना भी पहले बोलते हो कि हम कम स्टेप लिखेंगे ये करेंगे, वो इसलिए क्योंकि आप वहां पे जाके प्रेशराइज हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छा इस पे क्या ट्रिक थी, अच्छा इस पे क्या, इसमें उलझ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं मेथड से करें। इसलिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि मैं आपको जिस ढंग से ट्रिक्स को कवर करवाऊंगा वो ऐसी होंगी कि आपके लाइफ टाइम तक आप भूल नहीं सकते, यानी बिल्कुल पक्की बात, और वो भी कंसेप्ट के साथ। जैसे मुझे पता है कॉइन में आपको क्या बताना है, पर मैं अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट करवा देता हूं, या अभी तो 5 कॉइन है, अभी मैं बोलूंगा 10 कॉइन, या मैं बोलूंगा 128 कॉइन, कुछ भी बोल सकता हूं फिर, और मैं बोलूंगा कि ये 5 कॉइन का ट्रिक ही है, अब आपके साथ हो गई प्रॉब्लम, क्वेश्चन बदला या लैंग्वेज बदली, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी या कोई भी मैथ्स के टॉपिक जहां क्वेश्चन बदला लैंग्वेज बदली आप उलझ जाएंगे। इसलिए आपको मैं सभी को एक बिल्कुल पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि आप अपना फोकस पहले फाउंडेशन को करिए, जो भी ट्रिक्स अप्लाई करते हैं उस ट्रिक्स का ओरिजिनल पता हो, उस ट्रिक्स के आगे पीछे पता हो कि क्या होगा, जिससे कि आप एग्जाम में मिस्टेक ना करें। 1 मिस्टेक आपको बहुत पीछे कर सकती है, क्योंकि आपकी रैंकिंग, एक राइट के जो मार्क्स मिल रहे थे वो भी गए और जो आपने मेहनत से कमाए थे उसमें से भी कुछ कम हो गए, यानी आपको बहुत केयरफुल रहना है, राइट। अब बात करते हैं, जैसे 2 कॉइन की बात करें तो 2 कॉइन में ये पॉसिबिलिटी, अब मैं बोलूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, तो आप क्या बोलेंगे 1/4, ऑल टेल आप बोलेंगे 1/4, एटलीस्ट या एग्जैक्टली 1 टेल, तो आप बोलते हैं एग्जैक्टली 1 टेल 2/4। मैं बोलता आपसे मान लो कि एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आए, तो एटलीस्ट 1 टेल, तो ये 3 केसेस हो गए, तो आप क्या बोलेंगे 3/4, राइट। इस तरह से, वैसे एटलीस्ट के लिए आगे चल के ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 1 के लिए फॉर्मूला है 1 माइनस नन ऑफ देम, राइट, 1 माइनस नन ऑफ देम। अब अगर आपसे बोला जाए, मान लो इस तरह से कर सकते हैं, एटमोस्ट 2 वर्ड बहुत यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी में, क्या क्या, एक एटलीस्ट और एक एटमोस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे कि जैसे एटलीस्ट 1 बोला तो 1 माइनस 1 भी हेड ना, यानी ऑल टेल आए 1/4। मान लो मैं आपसे इस क्वेश्चन में बोलता एटमोस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल आए, तो 0 टेल भी हो सकता है,
अब एटमोस्ट में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं कि वो यहां से गिनते हैं, एटमोस्ट जीरो से होता है, अधिक से अधिक बोला, एक भी ना आए तो भी चलेगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, श्योर इवेंट हो गया, 4/4 देन 1। मान लो यही क्वेश्चन में बोलता कि एटमोस्ट 1 टेल, तो आप क्या करते हैं, एटमोस्ट 1 टेल मतलब अधिक से अधिक एक टेल आए, तो ये 3 केसेस होते, 3/4 लाइक दिस। अब सपोज यही क्वेश्चन, अब देखिए कैसे ट्रिक्स डेवलप करना है, कैसे कंसेप्ट बिल्ड करना है, कैसे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस को हैंडल करना है, वो आप लर्न करो, क्योंकि वो आपने लर्न कर लिया, आप देखेंगे आप मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल चले जाएंगे। मैथ्स ऐसे पढ़ो, मैथ्स हमेशा जीवन भर काम आने वाला सब्जेक्ट होता है, और स्पेशली कुछ टॉपिक तो हमेशा काम आते हैं, लाइक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन वगैरह। और इतने अच्छे से पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, मैं फिर बोलूंगा नंबर की फाइट नहीं, नॉलेज की फाइट करो। नंबर के लिए पढ़ोगे तो हो सकता है नंबर भी ना आए, नॉलेज भी ना बढ़े, नॉलेज के लिए पढ़ोगे दोनों चीजें होंगी। अब जैसे मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि यार कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब 3 टाइम बोला है आपने, अभी भी 3 टाइम मतलब 2 × 2 × 2 क्या होगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड एंड ऑल टेल। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आपको क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि मैं बोलूं ऑल टेल तो आप बोलेंगे 1/8, ऑल हेड देन अगेन 1/8, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, 1, 2 एंड 3, 3/8। मान लो मैं बोलूं एट मोस्ट 2 हेड, मान लो क्वेश्चन बोला एट मोस्ट 2 हेड, मैं एक क्वेश्चन के साथ मेरी आदत में कि और 10 क्वेश्चन सोचो, यही तो रीजन है। अभी आप देखो जनवरी में कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 100 प्लस स्कोर किया होगा कोर्स करके, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैं बोलूं एटमोस्ट 2 हेड, तो 2 हेड आए यानी अधिक से अधिक 2 हेड आए, तो 0 भी हो सकता है, तो 1, 2, 3, 4 इसको छोड़ दें तो सभी होगा, यानी 7/8। अगर यही क्वेश्चन में देता एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल आए, तो एटलीस्ट 2 टेल, तो ये 2 टेल वाले केसेज हो गए 4/8। अब यहां 1 माइनस नहीं लगेगा, वो एटलीस्ट के लिए ही लगता है, एटलीस्ट 1 के लिए। अब मैं यही बोलता एटलीस्ट 1 टेल, तो क्या होता 1 − 1 भी ना आए, राइट, 1 − 1 भी ना आए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है हमारे कि सपोज अब 3 कॉइन के बाद मैं क्वेश्चन दूं आपको कि अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम, अब मैंने क्वेश्चन क्या बोला, अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब जैसे ही मैंने 6 टाइम लिखा, अब दिमाग में एक चीज आ गई, 6 टाइम 8 टाइम कुछ भी, तो 2 पहले टोटल केस होंगे 2/6 यानी 64। अब 64 केस बना के नहीं कर सकते, 64 केसेस बना के नहीं कर सकते, तो अब क्या करेंगे, या मान लो मैं 8 कॉइन की बात करता तो क्या करते हैं? ये चीजें हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रिक्स कैसे अप्लाई करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे लगती, और बिना ट्रिक्स के भी क्वेश्चन कर पाओ, जिससे कि एग्जामिनेशन में आप अगर मल्टी डायमेंशन हो, आपको हर एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में मैं रिविजन कर रहा हूं, पर जब कंप्लीट टाइम होता है तो मैं यही चीज करता हूं कि पूरी चीजों को हर एंगल से आपको अपने आप को तैयार करके जाना है, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे सॉल्व होगा, आप कोई भी थ्रो कर दो। देखिए तो अब बोला है 6 टाइम, राइट, अब 6 टाइम अगर थ्रो करने के लिए बोला, टोटल केसेस 64 हो गए। अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड, ठीक 4 हेड आए। अब 4 हेड आए तो कैसे करेंगे, 4 हेड आए तो इसका मतलब 4 हेड तो ऑब्वियसली उस समय 2 टेल होंगे, सबसे पहले हमेशा दिमाग में टोटल केस आना चाहिए, वो होगा 64। अब इनको अरेंज भी करना पड़ेगा, कई बच्चे ये नहीं समझ पाते कि पीएनसी का सर यूज होता कहाँ है, मैं बताऊं आपको हर क्वेश्चन में होता है, कैसे होता है वो आना चाहिए करना। अब मैंने बोला एग्जैक्टली 4 हेड, तो ये 4 हेड ये हो गए और ये 2, इनको अरेंज भी तो करना है, 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के बाद फैक्टोरियल 6 जो रिपीट हो रहा है उनका डिवाइड कर दिया, तो 6 × 5/2 ये कैंसिल 3 टाइम, यानी आपका आंसर हो गया 15/64। ये होते हैं कॉन्सेप्ट, हमेशा ऐसे तैयार करो, मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे बनो आप, आप अगर अच्छे बैट्समैन हो तो ऐसे बैट्समैन हो कि बॉल कैसी भी आए आपको खेलना आती हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे स्लो बॉल दो मैं इस बॉल से नहीं खेल सकता, यानी आपको अपने आप को हर लेवल पे हर एंगल से तैयार करना है। अब सपोज इसी क्वेश्चन में बोलता एटलीस्ट
थ्री हेड, तो इसका मतलब थ्री हेड भी हो सकते हैं, फोर हेड भी हो सकते हैं, फाइव हेड भी हो सकते हैं और सिक्स हेड भी हो सकते हैं। अब यहां पर दो बातें आती है, वन माइनस करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब थ्री हेड मतलब ऑब्वियसली थ्री हेड तो थ्री टेल, राइट। अब इनको अरेंज करने का तरीका अभी मैंने बताया, फैक्टोरियल सिक्स बाय रिपीट जो रहा उनका डिवाइड कर दिया आपने, तो क्या जाएगा, एक हो जाएगा थ्री टू सॉरी सिक्स फाइव फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री। अभी आपको इससे भी अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, दो मिनट रुक जाइए आप, ये कैंसिल तो ये आ गया 20, यानी देखिए अब इसका डिनोमिनेटर एक ही रहेगा, बार बार कैंसिल मत करिए, ये 20, ये अभी आपने करा 15, 5 टाइम का मतलब हो गया एक टेल, यानी 6 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो ये 6 हो गया और 6 का 1 हो गया, कितना आ गया, ये हो गया कितना 42 बाय 64। अब ये तो अभी 6 का है, और बड़ा भी क्वेश्चन हो सकता है। अब पर्टिकुलर क्वाइन पे, सिंगल क्वाइन पे, ये आपको अब मैं यहां पे बताऊंगा डायरेक्ट, अरे ये रफ कर दिया मैंने, उस क्वेश्चन को फिर लिख लेंगे। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि सपोज कि यस, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, क्या होता है एनसीआर, इसका भी और शॉर्ट तरीका बताता हूं, पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर, बट जब पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1/2 हो, या क्वाइन की बात कर रहे हैं, क्वाइन पे हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल होती है, तो क्वाइन के केस में फॉर्मूला में और सिंपल बता देता हूं, और जहां पर भी पी क्यू 1 हो जाए वहां पर भी यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्टली यूज करिए, डायरेक्टली एनसीआर अपॉन 2n, क्या फॉर्मूला है एनसीआर अपॉन 2n, जैसे मैंने बोला एग्जैक्टली फोर हेड, तो आप क्या करते हैं, 6 टाइम था ये 15 लिखा था आपका, तो 64 अपॉन 2 पावर 6, 64 मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 2, ये देखिए 15 बाय 64, वही रिजल्ट है, वही सेम कंडीशन वही। अब आप इसे, मैं अगर डायरेक्ट ये बताऊं आपको ट्रिक्स, तो आप कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे, हो सकता है एग्जाम में यहीं पे मिस्टेक होने लगे। इन्हीं चीजों को मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको ट्रिक्स में बिल्कुल श्योर हूं कि जितनी ट्रिक्स मैं बता सकता हूं कोई नहीं बता सकता पूरी मैथ्स में हर जगह, पर ट्रिक्स के साथ एक स्ट्रांग कंसेप्ट, एक बेस, जिससे कि आपको वो ट्रिक्स भी याद रहे और उसका बेस भी याद रहे। जैसे यही क्वेश्चन था, अब इसमें क्या करता मैं डायरेक्टली करता थ्री हेड, तो 63 64 प्लस 65 प्लस 66 अपॉन 2 पावर 6, ये रिजल्ट वही है, 63 की वैल्यू, 64 की वैल्यू, 65 की वैल्यू, यानी आपके पैटर्न क्या है क्वेश्चन सॉल्विंग के, सारी बातें इस पे डिपेंड करती हैं, और अगर एक बार ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अब वो जो क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस कर रहे थे 5 कॉइन वाला, जरा हम वापस उस पे आते हैं, और देखिए इस एक क्वेश्चन के साथ मैं इतने पीछे गया, अगर ये आदत आपने डेवलप कर ली फिर आपको क्वेश्चन नहीं बने ऐसा नहीं हो सकता, होता ही कि आप एक ही क्वेश्चन सीखा, ट्रिक सीख ली और आगे बढ़ गए। अब क्योंकि आपने एक क्वेश्चन देखा, उसकी ट्रिक सीखी और आगे बढ़ गए, अब वो क्वेश्चन में थोड़ा भी डेटा चेंज हुआ आप उलझ गए। अब मैंने आपको क्वाइन का जो कंसेप्ट बताया, अब क्वाइन का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जैसे ये बोला था कि क्वाइन इज टॉस 5 टाइम्स, राइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज ऑब्जर्व मोर देन 3 टाइम, मोर देन 3 टाइम मतलब आपको मैंने अभी बोला या तो 4 टाइम आए या 5 टाइम आए। अब देखिए आपने कंसेप्ट बना ली, एक बार में कर लेंगे, 5 टाइम कर रहे हैं तो 5c4 प्लस 5c5 अपॉन 2 पावर 5, 5c4 इज 5 प्लस 1 अपॉन 32, यानी 6 बाय 32 मतलब 3 बाय 16, एक कंसेप्ट बन गया। अब मैं आपको ट्रिक बताता तो हो सकता था फेल हो जाते, पर ये बताया नहीं होंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन, 7 कॉइन आर टॉस, कितने 7 कॉइन आर टॉस 128 टाइम्स, ठीक है, 7 कॉइन आर टॉस 128 टाइम्स, इन हाउ मेनी थ्रो वुड यू फाइंड एटलीस्ट 3 हेड। अब एटलीस्ट 3 हेड पहले 7 कॉइन के लिए करते हैं और 128 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 कॉइन टॉस कितने बार 128 टाइम, एटलीस्ट 3 हेड, तो मतलब 3 हेड प्लस 4 हेड प्लस 5 हेड प्लस ऑफ 6 हेड। अब देखिए आपके लिए कितना इजी हो गया ये, आप टोटल 128 टाइम करोगे तो 128 का मल्टीप्लाई जाएगा 3 हेड मतलब 7c3 प्लस 7c4 प्लस 7c5 प्लस 7c6 प्लस 7c7, राइट, आपसे बोला क्या है एटलीस्ट 3 हेड, यस, अपॉन 2 पावर 7, 128 से 128 कैंसिल। अब इसको ऐड करने के दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास, हमको ये पता है 7c0, 7c1 प्लस 7c2 से लेके 7c7 तक 2 पावर 7 होता, राइट, यानी 128 होता,
बट इसमें क्या क्या कम है, 7C0 की वैल्यू 1, 7, 7 इंटू 6 अपॉन 2 यानी 21, तो कितना कम है इसमें, ये हो गया, ऐड कर दो इसको 8 यानी माइनस ऑफ 29, तो माइनस 29 माइनस कर दिया तो क्या आ गया आंसर, ये आ गया 99, यानी आपको अब ये 99 क्योंकि 128 टाइम थ्रो करा है इसलिए ये आंसर आया, यानी आप एक क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ें तो आपसे हर तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकते हैं और वही चीज है जो आपको डेवलप करनी चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन एक और देखते हैं, बॉल्स वाली प्रॉब्लम्स मिलती हैं कई बार, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बैग कंटेन 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, अ बैग कंटेन 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल, इफ वन बॉल इज ड्रॉन, कितने हैं अभी 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग देन द प्रायोरिटी दैट वन बॉल इज व्हाइट एंड वन इज ब्लैक, तो सिंपल वन व्हाइट एंड वन ब्लैक, तो 4C1 2C1 अपॉन 6C2, क्लियर है बात। अब इसमें क्या होगा, 4 इंटू 2 अपॉन 6 5 अपॉन 2, ये 3 टाइम कैंसिल, ये 3 टाइम कैंसिल, तो आगे आपका आंसर 8/15। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा ये जेई के क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन से समझते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो अभी अभी आए हुए हैं, आपने एग्जाम दिए थे, और इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, आपको अपने आप बनेंगे और आप जेई के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अ बैग कंटेन, सुनिएगा क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ठीक है, अ बैग कंटेन, सुनिए ध्यान से, A bag contains 4 red and 6 black ball. A ball is drawn at random from the bag. Its color is observed and this ball along with 2 additional ball of the same color are returned to the bag. आपने suppose इसमें से 1 ball निकाली थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए वो red ball आई, तो इस red ball के साथ 2 red और ball इसमें bag में insert कर देंगे, और मान लीजिए suppose black ball आई होती तो 1 black ball के साथ 2 plus black ball और करके इसमें insert कर देंगे। अब ये हमें देखना, आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इफ नाउ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग देन द प्रायोरिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड, ओके, अब समझिएगा क्वेश्चन कितना अच्छा है और समझने वाला है। क्वेश्चन में ये बोला गया है सबसे पहले कि एक बैग है जिसमें 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है, 1 बॉल निकाली एट रैंडम और कलर उसका ऑब्जर्व किया, आपको नहीं पता कौन से कलर की आई, बट जो भी कलर की आई होगी, सपोज रेड आएगी तो रेड के साथ 2 रेड और मतलब ओवरऑल 3 बॉल वापस इंसर्ट कर देंगे और फिर फाइनली बॉल निकालेंगे, और ब्लैक आई तो भी 2 ब्लैक इंसर्ट करके 2 प्लस करके आप वापस डाल दोगे बैग में, फिर बॉल निकालना। अब आपको बताना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। अब देखिए क्वेश्चन की अप्रोच मैं बिल्कुल एक सिंपल बोलूंगा, सब फॉर्मूले भूल जाओ, बस कंसेप्ट पे वर्क करो। सपोज रेड बॉल आई तो आप बोलते 4/10, अब रेड बॉल आई, आपके पास एक रेड बॉल है, इस केस को देखना, ये रेड बॉल है, तब आपको इस रेड बॉल के साथ 2 रेड और इस बैग में वापस डालनी है, तो कितनी रेड हो गई, अगली 6 रेड हो गई, 6 ब्लैक हो गई, आपको फाइनली रेड निकालनी है, कितने में से, अब रेड यहां पर 6 है तो 6/12, या फिर जब भी और हो तो प्लस, जो आपको प्रेजेंटेशन में कंसेप्ट बताए थे, अब हो सकता है कि ब्लैक निकली हो बॉल तो 6/10, और सपोज ब्लैक निकली होती तो अब ब्लैक और 2 आपने डाल दी तो अब ब्लैक कितनी हो गई 8 और रेड अभी भी 4 रहेंगे, अब आपको फाइनली तो रेड निकालनी तो 4/12, अब देखिए नीचे 120 ही आएगा बाई चांस तो 120 ही ले लीजिए एलसीएम, तो 24+24 यानी 48/120, तो आप कैंसिल कर दीजिए इसको, चाहो तो 12 से कर दीजिए, 4/10 यानी 2/5, दिस इज द 24 से कैंसिल कर दिया एक तरह से, दिस इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन को देखिए, जेई का ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि इधर उधर के हैं, पर कैसे करने, और सारे लाइन से लूंगा मैं, अभी जनवरी से जो आए हुए क्वेश्चन एक भी पेपर के नहीं छोड़ूंगा, वो इसलिए कि आपको हमेशा मेरे साथ क्वेश्चन लगता है सिंपल होते हैं, सिंपल नहीं होते, सिंपल करने का तरीका होता है, सिंपल तरीके से सोचिए अपने आप बनेंगे। तो देखिए क्या है, 4 रेड है 6 ब्लैक है, आपको बोला है एक बॉल निकालनी है और जो भी कलर है उस कलर की उस बॉल के साथ 2 कलर और आपको बैग में रिटर्न करनी है, तो रेड निकली तो रेड 2 और रिटर्न कर देंगे, प्लस वो बॉल जो निकली है, ब्लैक निकली तो ब्लैक के साथ 2 रिटर्न ब्लैक कर देंगे, आपको फाइनली बोला है कि रेड बॉल निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैंने क्या किया, पहले रेड निकाली, ये रेड निकाली
अब रेड आने के बाद मुझे टू रेड प्लस ये निकली हुई बॉल के साथ वापस रखा तो मेरे पास सिक्स रेड हो गई, सिक्स ब्लैक हो गई, तो ये हो गया। अब इसका उल्टा सोचते हैं, मान लीजिए ब्लैक निकाली तो सिक्स बाय टेन, अब ब्लैक दो और ऐड करी तो एट ब्लैक हो गई, पर रेड फोर ही थी तो फोर बाय ट्वेल्व। यानी आप किस ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सारी बातें घूम फिर के इस पे ही डिपेंड करती हैं, राइट। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन है, टू कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, आपसे बोला गया है कि टू कार्ड निकालना है। टू कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ टू कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ एस, के की बात कर रहे हैं, ऑब्टेन इन द टू ड्रॉन, देन पी एक्स इक्वल टू वन प्लस पी एक्स इक्वल टू टू। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो बोली गई है वो ध्यान रखने वाली है, वो है टू कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो कार्ड निकाला है वो आपको वापस रखना है, फिर निकालना है। तो आपको ये बोला है कि ये एक्स जो है वो एस को बता रहा है, यानी इक्के आने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो आपसे बोला है नंबर एस इज ऑब्टेन इन टू ड्रॉन कार्ड, देन पी एक्स इक्वल टू वन प्लस पी एक्स इक्वल टू टू इक्वल टू क्या होगा, यानी वन इक्के की या टू इक्के की प्रोबेबिलिटी बोली है। अब अगर मैं बोलूँ तो 52 प्लेइंग कार्ड में आपको पता है नंबर ऑफ कलर होते हैं 2, 26 रेड 26 ब्लैक। इन 26 रेड में 2 हो गए 13 डायमंड 13 हार्ट, 26 ब्लैक में 2 हो गए 13 क्लब 13 स्पेड। अब आपसे बोला है अगर मैं फेस कार्ड की बात इक्के की बात करूं 4 एस 4 किंग 4 जैक या नेट, तो अब इन 4 में से एक लिया तो आप लिखेंगे 4C1 बाय 52C1। अब दूसरा इक्का नहीं होगा तो क्या होगा 48 अपॉन 52C1। अब आप ऐसा करते हैं जब, तो एक बहुत ध्यान रखना है, ये है फर्स्ट टाइम ऐसा आया, सेकंड टाइम नहीं आया, पर इसका रिवर्स भी हो सकता था, तो इसको टू टाइम लिखना मत भूलिएगा, राइट। इसको टू टाइम लिखना मत भूलिएगा क्योंकि ये ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, प्लस दोनों ही आ गए तो क्या करेंगे 4C1 बाय 52 इंटू 4C1 बाय 52। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 बाय 52 यानी 1 बाय 13 12 बाय 13 प्लस 1 बाय 13 यानी एक तरह से देखें तो 169 24 प्लस 125 25 अपॉन, ये दिया भी है ऑप्शन 25 अपॉन 169 बी इज अ राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन कितना अच्छा था कि आपको प्लेइंग कार्ड है 52 उसमें से टू कार्ड निकालना है और वन इक्के की या टू इक्के की प्रोबेबिलिटी पूछी है, पर विथ रिप्लेसमेंट है तो ये ध्यान रखना है कि एक एक करके निकाला और टू टाइम इसलिए किया क्योंकि इसका ऑर्डर का ध्यान रखना है। यानी ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे अगर आपने वर्क कर लिया तो आपसे हर तरह के क्वेश्चन बनने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा क्या है, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी आए और देखिए आप जनवरी में जो 8 पेपर हुए थे अगर हम देखें तो उनमें काफी सिमिलर क्वेश्चन थे, वैसे ही अभी होना है। अ बैग कंटेन 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स, ओके 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स, बहुत अच्छे से समझिएगा। अ बैग कंटेन 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन, मान लो कि ड्रॉन बॉल ग्रीन है, कंडीशनल है, ड्रॉन बॉल ग्रीन देन रेड बॉल इज एडेड, तो आप रेड बॉल ऐड कर दोगे इसमें, ठीक है रेड ऐड करोगे और फिर बोला है देन रेड बॉल इज एडेड टू द बैग एंड इफ ड्रॉन बॉल इज रेड, मान लो रेड निकली ही रेड होती तो आप ग्रीन को ऐड कर दोगे, ओके इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड द ग्रीन बॉल इज एडेड टू द बैग द ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न टू द बैग, ठीक है। नाउ द सेकेंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट, अब सेकेंड बॉल निकाल रहे हो, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड, फाइनली प्रोबेबिलिटी रेड की बतानी है कि फाइनली रेड बॉल आए इसकी प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ग्रीन बॉल आई, मान लीजिए ग्रीन बॉल निकाली आपने तो 2 बाय 7 क्योंकि टोटल बॉल 7 है, अब निकल गई। अब आपने क्या करा,
कि इसमें रेड बॉल ऐड कर दी, राइट इसमें क्या करा, इसमें आपने रेड बॉल ऐड कर दी, यही बोला गया है, क्योंकि बॉल कैसे लेना है वो देखना है आपको। तब आपने इसमें रेड बॉल अगर ऐड करोगे, जब ग्रीन निकाली है तो रेड ऐड करोगे। अ बॉल इज ड्रॉन, ड्रॉन बॉल इज ग्रीन, देन अ रेड बॉल इज एडेड टू द बैग एंड इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। अब अगर इसमें आपने रेड ऐड कर दी तो रेड कितनी हो गई, सिक्स, पर सिक्स हो गई, और ओवरऑल बॉल कितनी, सेवन, तो सिक्स बाय सेवन। अब हो सकता है कि आपने निकाली हुई बॉल रेड ही हो तो फाइव बाय सेवन, अब निकाली हुई बॉल रेड हुई तो फाइव बाय सेवन, पर आप यहां पर कौन सी ऐड करोगे, ग्रीन, तो ग्रीन बढ़ गई, थ्री हो गई, पर निकालना फाइनली क्या, रेड, अब रेड कितनी बची होंगी, फोर, तो फोर बाय सेवन, तो ये हो गया 49, ये हो गया 12 प्लस 20 यानी 32 बाय 49, दिस इज द राइट आंसर। अब एक बार फिर समझ लीजिए आपकी कि इसमें मैंने किया क्या है, इसमें करना ये था क्वेश्चन में कि आपको फिर से समझाता हूं एक बार, फाइव राइट, कंफ्यूजन है ना, अभी समझाता हूं, फाइव राइट और टू ग्रीन बॉल थी ओरिजिनली, आपने बॉल निकाली, मान लीजिए कि रेड बॉल आई तो आप इसमें ग्रीन को ऐड कर रहे हैं वन, और मान लीजिए ग्रीन बॉल आई तो आप रेड ऐड कर रहे हैं, ये तो फर्स्ट ड्रॉ हो गया, और सेकेंड टाइम में रेड ही आए इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे फाइनली पूछी है, राइट क्या करेंगे सिंपली आप समझें, तो पहले मैंने आपसे बोला कि भैया एक रेड बॉल आ गई तो आपने कहा 5/7, जो बॉल निकाली उसको रिटर्न नहीं करना ही लिखा है क्लियरली, अब आपको इसमें ग्रीन ऐड करनी थी, ग्रीन ऐड कर दी, थ्री हो गई ग्रीन, थ्री ग्रीन हो गई समझ लो, और फोर रेड हो गई, अब आपको एक बॉल निकालना है पर वो रेड ही हो, इसकी सेकेंड बॉल का रेट का बोला है तो 4/7, अब इसका उल्टा, अब मान लीजिए कि निकली हुई बॉल ग्रीन थी ओरिजिनली तो टू, जब भी और होगा तो टू, तो 2/7, तो आपको रेड ऐड कर दिया आपने तो अब रेड कितनी हो गई, 6, तो 6/7, दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को कर रहे हो सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर हम समझें इस क्वेश्चन को तो इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है क्वाइन इज टॉस इफ द आउटकम इज हेड, ठीक है, एक क्वाइन को टॉस कर रहा हूं, हेड और टेल, आ क्वाइन इज टॉस, आप जो बेसिक चीजें दी होती है ना उनको नोट करते चला करो, आ क्वाइन इज टॉस इफ द आउटकम इज हेड देन अ पेयर ऑफ डाइस रोल, अगर आउटकम हेड आया तो पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हो, ओके पेयर ऑफ डाइस रोल एंड द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन देम इज नोटेड, ठीक है, सम ऑफ द नंबर जो आया वो नोट कर लिया, इफ द टॉस ऑफ द कॉइन रिजल्ट इज टेल, ठीक है टेल, देन द कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ नाइन कार्ड, अगर मान लो टेल आया तो आपने इन नाइन कार्ड में से कोई नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है, नाइन कार्ड 1, 2, 3 रेंडमली पिक एंड द नंबर ऑन द कार्ड इज नोटेड, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नोटेड नंबर इज आइदर 7 or 8, ओके कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, अगर एक बार आपने इसका कंसेप्ट बना लिया आपकी प्रॉब्लम खत्म। क्वेश्चन में ये बोला है कि आपने एक क्वाइन थ्रो किया, और देखिए कितना सिंपल तरीका होता है प्रोबेबिलिटी करने का, आप अननेसेसरी कंफ्यूज होते हैं, एक क्वाइन को आपने थ्रो किया, हेड आया तो आपने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, पेयर ऑफ डाइस के जो स्कोर का सम है, मैंने आपको पेयर ऑफ डाइस का याद है 2 डाइस के लिए एक डायरेक्ट चार्ट बताया हुआ, वो चार्ट को ध्यान रखो जिससे कि आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाए, कभी भी 2 डाइस का मिनिमम सम होता है 2, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 विथ कंसेप्ट बताया, एक एक चीजों को निकालना बताया हुआ है, राइट अब टोटल केसेस होते हैं 36, ये सब बताया हुआ आपको। अब मान लो अगर आपसे बोला जाए कि टोटल ऑफ 5 तो आप बोलते हैं आंसर 5/36, टोटल ऑफ 10 देन आंसर आप बोलते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो आपसे बोलते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 तो आप बोलते हैं टोटल ऑफ 5 तो आप बोलते हैं 4/36, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 तो आप बोलते हैं 6/36, टोटल ऑफ 10 तो आप बोलते 3/36, लाइक दिस, राइट। तो आप जैसे आपको ये बोला है क्वेश्चन में कि आपने पैराडाइज को थ्रो किया, सपोज हेड आ गया
तो आपको पैरा डाइस थ्रो करना है और इस पर जो भी स्कोर आए उसका अलग से नोट कर लेना है। मान लो आपने 10 आया तो आपको 1 से 9 में एक टिकट निकालना है, उसके नंबर का 7 और 8 होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन सिंपल है, अगर मैं बात करूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2। अब हेड आने के बाद पेयर ऑफ डाइस पे 7 और 8 बोला है तो 7 के केस होते हैं 6, 8 के होते हैं 5, 6+5 यानी 11, 11/36 प्लस टेल आया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 या तो ये होगा ये और इसके 7 और 8 आए तो इसके केसेस 2 है तो 2/9 यानी टोटल हो गया 2 × 36 एक तरह से एलसीएम आ गया, राइट। ये 18 लिखा तो यहाँ कितना आ गया 11, राइट। यहाँ आ गया 11 और यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो आप, और नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, कर दिया। अब जैसे मान लो लिखा रहने देते 2, तो आपके पास एक तरह से 18 को अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 × 2 = 8 यानी हो गया 19/72। तो करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का 19/72 इज अ राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, समझने वाला क्वेश्चन था कि कॉइन को थ्रो किया, हेड आने पर पेयर ऑफ डाइस थ्रो करना है, टेल आने पर नंबर ड्रॉ करना है, पेयर ऑफ डाइस पे स्कोर 7 और 8 की बात कर रहे हैं, नंबर में 7 और 8 की बात कर रहे हैं। नंबर में 2 पॉसिबिलिटी है, पेयर ऑफ डाइस में 7 के केसेस होते हैं 6, 8 के केसेस होते हैं 5। यानी किस ढंग से क्वेश्चन दिया है उसको एक बार अच्छे से देख लो, आपको अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि आपको ना बने, बस आपका करने का तरीका क्लियर होगा, आपको हर चीज बनने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है और समझते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय शूटर इन एनी शूट इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट दिया है 1/3, ठीक है। यानी कोई शूटर है इंडिपेंडेंट में, टारगेट हिट की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो नॉट हिट की हो गई 2/3। देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शूट, कितने मिनिमम नंबर होंगे, देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शूट एट द टारगेट रिक्वायर्ड बाय हिम सो दैट द प्रायोरिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वन इज ग्रेटर देन 5/6। एटलीस्ट वन मतलब आपको पता है, मैंने बोला एटलीस्ट वन, जब भी बोले वन माइनस नन ऑफ देम। अब ये कुछ बोला गया है, क्या बोला है समझे कि इसमें ये बोला है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय अ शूटर, हिटिंग की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शूट टू एट द प्रोबेबिलिटी हिटिंग द टारगेट ग्रेटर देन 1/3, तो 1 - p नन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 5/6 ये बोला गया। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ऑब्वियसली हेल्प करेंगे, लिख देता हूं 6, 5, 4 and 3। अब देखिए क्या होगा, सिंपल 1 - एक भी शूट नहीं हुआ तो NC0, राइट, पी की पावर 0, क्यू की पावर, क्यू मतलब 2/3 की पावर n, दिस इज ग्रेटर देन 5/6। एक तरह से इसको इधर लाओ आप, इसको इधर ले जाओ, NC0 की वैल्यू कितनी होती है, ये एटलीस्ट 1 का केस निकाला है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज कर लिया आपने और कुछ नहीं किया, जो मैंने आपको बताया था NCR P पावर R Q पावर N माइनस R। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 - 5/6 इज ग्रेटर देन 2/3 की पावर N या 2/3 की पावर N इज लेस देन 1/6। अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो आपको यहां पे रखना है, 1/6 मतलब 0.166। अब देखो एक बात समझ में आती है, देख के 2/3 है 0.66, अब जैसे अगर आप 1 रखते नहीं होगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब थोड़े से लॉजिक से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं 4/9, ये इसका मिड है, आपको तो 0.116 तक जाना है, वैसे भी 2 नहीं, सीधा ऑप्शन पे जाते हैं आप, 3 भी बहुत छोटा होता है क्योंकि 3 पे क्या होता है 8/27, ये इसका एक तरह से 3 टाइम्स के आसपास है, आप समझो ये 1/6 है यानी आपको 6 टाइम जाना है, 4 रखते वो भी मुझे लगता है कम होता है, देखो 16/81 यस ये भी कम है, 5 टाइम ही हुआ तो इसका मतलब 5 टाइम हो गया 32/243, देखिए अपने आप समझ में आ गया। तो यानी n की वैल्यू 5 होगी, मिनिमम वैल्यू पूछी है तो मिनिमम वैल्यू हुई 5, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।
यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं इन अ गेम अ मैन विन रुपीज 100 इफ ही गेन 5 और 6 ओके इन अ गेम एक कोई गेम की बात कर रहे हैं इन अ गेम अ मैन विन रुपीज हंड्रेड इफ ही गेट 5 और 6 ऑन अ थ्रो ऑफ फेयर डाइस ठीक है डाइस पे 5 और 6 की अगर मैं बात करूं तो होगी 2/6 यानी 1/3 यानी हैपनिंग ऑफ 100 रुपीज 1/3 है ओके और बोला है एंड लॉस अगर मान लो नहीं आया तो इसको लॉस है ये विन है ये लॉस है लॉस कितना है 50 रुपीज कब जब 5 और 6 नहीं आएगा तो ऑब्वियसली लॉस की प्रोबेबिलिटी दी है 2/3 ठीक है अब ये क्या बोलता है सुनिए नंबर ऑन द डाइस इफ ही डिसाइड टू थ्रो अ डाई आदर टिल गेट 5 और 6 उसने डिसाइड किया कि चलो मैं डाइस को फेंकता हूं जब तक कि 5 और 6 ना आ जाए और टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 थ्रो देन हिज एक्सपेक्टेड गेन लॉस इन रुपीज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने वाला क्वेश्चन है क्या करेंगे समझिए ये गेन है ये लॉस है जीरो है ये 400/9 लॉस है नॉर्मली देखिए जब भी अगर आप ही गेन ले जाएंगे तो आप यही कोशिश करेंगे ना कि मैं कुछ भी ऐसा करूं कि मुझे कुछ लॉस ना हो ना अगर गेन नहीं होता तो लॉस नहीं हो तो उस केस में जीरो ही होता आंसर पर अभी इस क्वेश्चन को समझिएगा आपने ये डिसाइड किया कि आप कहीं पे गए जहां पर आपको 100 रुपीज मिलते थे 5 और 6 आने पर और 1, 2, 3, 4 आने पर 50 रुपये वो आपसे ले लेता है अब आपने डिसाइड किया कि जब तक थ्रो करोगे जब तक 5, 6 ना आ जाए पर ऐसा तो हो सकता है इनफाइनेट तक भी ना हो इस तरह के क्वेश्चन आपने अल्टरनेट वाले पढ़े होंगे ए एंड बी थ्रो अ कॉइन अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट हेड एंड विन द गेम 3 फ्रेंड 4 फ्रेंड 2 डाइस पे भी होता है क्वेश्चन यही ये सब टाइप्स हैं जिनको आप रिवाइज कर लें पर उसने एक चीज और डिसाइड कर ली कि मैं मान लीजिए पहली बार में 5 और 6 आ गया तो मैं गेम में रुक जाऊंगा इसका मतलब ये होता है नहीं आया मैं सेकेंड टाइम थ्रो करूंगा आ गया तो स्टॉप नहीं तो आगे बढ़ूंगा अब तीसरी बार थ्रो करूंगा 5, 6 आ गया तो ओके और नहीं आया तो मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो थ्रो हैं वो कितने हैं उसके 3 हैं अब आप समझिए इसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको इसमें कितने फेंकना है 3 ही बार फेंकना है अब अगर आपको 3 बार ही फेंकना है यस तो आप क्या क्या हो सकता होगा वो सोचिए आप देखिए क्या हो सकता है कि आपको टोटल 3 टाइम मतलब आपने डिसाइड ये किया था कि जैसे ही विन होगा मैं गेम में रुक जाऊंगा या फिर 3 टाइम थ्रो करूंगा तो पहला केस हो सकता है आप विन हो गए दूसरा केस आपको लॉस हुआ पहले थ्रो में फिर विन हो गए राइट यहां पे रुक गए पर तीसरा केस ये हो सकता है फर्स्ट लॉस सेकेंड लास्ट थर्ड विन या फिर फर्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट थर्ड भी लॉस थर्ड में 2 पॉसिबिलिटी क्यों होंगी बिकॉज 3 टाइम ही देखो आप गेम में कब जीतोगे आपने डिसाइड किया मैं जब तक थ्रो करूंगा 5, 6 ना आ जाए आपने थ्रो किया 5 या 6 में से आ गया आप विन हो गए पर मान लो कि 5 या 6 नहीं आया तो इसका मतलब लॉस हुआ होगा तो आपने सेकेंड टाइम थ्रो किया और विन हो गया स्टॉप पर थर्ड केस ऐसा होगा जिसमें क्योंकि उसने 3 बार ही थ्रो करने का सोचा था हो सकता तीनों में लॉस हुआ और हो सकता थर्ड में उसको विन भी हो गया ये पॉसिबिलिटी हुई अब विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखिए विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और उस केस में आपको 100 रुपीज मिलता है यहां पर लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3 विनिंग की 1/3 विन में 100 माइनस लॉस में 50 यहां पर आएंगे तो 2 बार लॉस 2/3 विन 1/3 इंटू 100 विन माइनस 50 माइनस 50 वो जीरो ही हो जाएगा मतलब और तीनों में लॉस 2/3 एंड 1/3 ये नहीं भी लिखोगे चलेगा पर आपको कंसेप्ट के लिए लिख लेना चाहिए 1/3 2/3 और ये तीनों में ही लॉस हुआ यानी 150 का ये 100 माइनस 100 जीरो हो गया इसलिए अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप बोलेंगे 100/3 प्लस 50 बचा तो 100/9 प्लस इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 8/27 माइनस ऑफ 150 राइट अब मैं आपसे बोलूं कि इसका आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम के पहले एक काम जरूर करिएगा कि आप सभी में से 100 कॉमन निकाल सकते हैं जैसे ये 100/3 है ये 100/9 है ये 8 है तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 और इसको लिख सकते हो 50 इंटू 3
और माइनस का याद रखना, तो माइनस तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन ले लीजिए आप, तो हो जाएगा 100, तो माइनस ऑफ 100 इंटू 12 बाय 27, राइट, ये हो गया 27। अब इसमें क्या हुआ, एलसीएम आ गया इसका 27, 100 आपने कॉमन लिया, ये कैंसिल हुआ कितने टाइम, 9 टाइम, तो प्लस 9, ये कैंसिल हुआ 3 टाइम, 3 माइनस 12, नेट रिजल्ट 12 माइनस 12 0, यानी उसने ये सोच के ही गेम में 3 टाइम सोचा था कि चलो कुछ कमाऊंगा नहीं तो कुछ हारूंगा भी नहीं, तो ये इसका एक प्रॉपर तरीका हुआ, राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, कभी कभी मीन एंड वेरिएंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है वैसे ये, पर वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन जीके ही हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस है समझिए, द मीन वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप मीन कितना है, मीन है 2 और वेरियंस दिया हुआ है, सॉरी मीन दिया है 4 एंड वेरियंस दिया है 2, देन पी एक्स इक्वल टू 1 पूछा है, पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब हुआ NCR P पावर R Q पावर N माइनस R में R 1 है, मतलब बेसिकली NC1 P Q पावर N माइनस 1। अब आपको इसमें सबसे पहले मीन होता है NP, दिस इज 4, वेरियंस होता है NPQ, दिस इज 2, NP की वैल्यू डाल दी 4, तो Q 1 बाय 2, ऑब्वियसली P भी 1 बाय 2, P की जगह 1 बाय 2 रखा तो N हो गया 8। अब आपको यहाँ पे रख दो तो 8C1, जब भी P और Q इक्वल हो जाए तो डायरेक्ट यूज करेगा 8C1 अपॉन 2 पावर 8, यानी 8 अपॉन 2 पावर 8 यानी 1 बाय 2 पावर 5, 1 बाय 32, राइट। एक और क्वेश्चन आया, देखिए मीन वेरिएंस का ही, क्या क्वेश्चन है समझिएगा, इसमें बोला गया है द मीन एंड वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 एंड 2, ये भी सेम है, अलग ईयर का था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सेम है, तो